समरसेबल मोटर या फिर पंखे की रिपेयरिंग करने के बाद कस्टमर के सामने किस तरह से मोटर को चेक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास यह मोटर रिपेयरिंग होने के लिए आई थी। इसकी मोटर और पंखे दोनों रिपेयरिंग हुई है और इसको अभी कस्टमर के सामने किस तरह से चेक करेंगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, पहले इसको मोटर या फिर पंखे या फिर दोनों रिपेयरिंग हो जाए तो आपको इस तरह से या तो चारों बोल्ट लगा करके टाइट कर लें या फिर आमने सामने दो बोल्ट लगा करके अच्छे से टाइट कर लें। और इसको जैसे बोरवेल में डाल करके चेक करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर जुगाड़ करके आप बोरवेल जैसे चेकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पाइप लेना है। देखिए, इसकी फिटिंग कर लिए हैं, पंखे और मोटर दोनों की फिटिंग कर लिए हैं। अब इस जुगाड़ से इस पाइप में डालेंगे। आप देख रहे हैं, यह मोटी सी कैसिंग जैसे पाइप है, उसके इंड कैप लगा रखे हैं नीचे साइड में। ये देखिए, इस जुगाड़ से जैसे आप बोरवेल में मोटर डालते हैं उसी तरह से इस पाइप में मोटर को डाल देना है। इसके नीचे साइड में एक इंड कैप लगा है, बाकी केसिंग ही है पतली सी, और इसी में मोटर को इस तरह से डाल देना है। देखिए, मोटर को इसके अंदर डाल दिए हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इसके अंदर मोटर डाली हुई है। देखिए, अभी इसमें पानी नहीं डाला है, इसमें पानी डालेंगे। चलिए, इसको पाइप को पूरी तरह से फुल भर देते हैं, इसके बाद चेक करके दिखाऊंगा किस तरह से मोटर चलती है। ये देखिए, फुल भर गया है पानी से। अब यहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे और मोटर को चलाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से मोटर परफॉर्मेंस करती है, अच्छे से प्रेशर है वर्क करती है या फिर नहीं करती है। ये देखिए, अब यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं और यहाँ सप्लाई देंगे। देखिएगा, मोटर को ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये देखिए, मोटर चल रही है। इसी तरह से आप यदि कस्टमर के सामने चेक कर देते हैं तो कस्टमर भी खुश हो जाता है देख करके। ये जुगाड़ अपने दुकान पर ज़रूर करें, मिस्त्री भाइयों के लिए खास जुगाड़े हैं।